हे गाइस, दिस इज कुलदीप एंड यू आर वाचिंग स्टडी सेंटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लेबनन की। लेबनन की कैपिटल बेरूत में अभी मॉर्निंग में ही ब्लास्ट हो गया है। सो उस ब्लास्ट में काफ़ी लोगों की डेथ हुई है। अभी तक एटलीस्ट 100 लोगों की डेथ हो गई और 4000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर घायल हो चुके हैं। सो दिस इज़ द कटआउट ऑफ द अल जजीरा न्यूज़ पेपर। सो इसमें लिखा हुआ डजेंट किल 1000 वाउंड इन बेरूत एक्सप्लोजन। सो ये लेबनन में इंडिया एम्बेसी ऑफ इंडिया की जो कटआउट है उसने ट्विटर पर डाला है कि कुछ हेल्पलाइन नंबर उसने ये पोस्ट किया कि अगर वहाँ पर लेबनन कंट्री में या बेरूत पर कोई भी इंडियन कम्युनिटी है तो सो वो इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर मोर हेल्प। सो दिस इज़ द वर्ल्ड मैप से उसका कुछ कटआउट है। सो इसमें हम जानेंगे कि लेबनन कंट्री इंडिया के कंटेक्स्ट में कहाँ पर। सो दिस इज़ द इंडिया। सो इंडिया के वेस्ट में जाने पर ये लेबनन कंट्री है। सो इसमें सीरिया के वेस्ट में और इसराइल के नॉर्थ में लेबनन कंट्री। इस पिक में आपको थोड़ा और क्लियरिटी आएगी। सो दिस इज़ द सीरिया। वो सीरिया के नॉर्थ वेस्ट में और इसराइल के नॉर्थ में दिस इज़ द लेबनन कंट्री। एंड लेबनन की कैपिटल है बेरूत। सो इसी बेरूत सिटी में, जो कि इसकी कैपिटल है, इसी बेरूत सिटी में ये एक्सप्लोजन हुआ है। सो ये और क्लियर इमेज है बेरूत की। ये बेरूत सिटी का पोर्ट, बेरूत सिटी में जो पोर्ट है उस वहाँ की तस्वीर है, वहाँ की इमेज है। सो दिस इज़ द अप्रोक्स लोकेशन ऑफ द ब्लास्ट। ये जहाँ पर ब्लास्ट है, जहाँ पर ये एक्सप्लोजन हुआ है, ये वहाँ की लोकेशन है, जो अप्रोक्स लोकेशन है। सो इससे आपको थोड़ा और क्लियरिटी आएगा। दिस इज़ द कोस्टल सिटी ऑल्सो। सो इस न्यूज़ में ये कि एक लार्ज ब्लास्ट इन द लेबनन कैपिटल जो कि बेरूत है हैज़ किल्ड एटलीस्ट 100 पीपल एंड इंजर्ड मोर देन 4000 पीपल। 100 पीपल की डेथ हो चुकी है एंड मोर देन 4000 से ज़्यादा लोगों की, 4000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर घायल हो चुके हैं, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोल, हेल्थ मिनिस्टर जो लेबनन के हैं उन्होंने बोला है। एंड ऑफिसर आर ब्लेमिंग, जो ऑफिशियल हैं उन्होंने ब्लेम किया कि एक हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल वहाँ पर स्टोर्ड था जो उस वेयर हाउस में काफ़ी 6 सालों से, तो वो इसका रीजन है। वहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट था जो काफ़ी सालों से। सो प्रेसिडेंट आउन डिक्लेयर्ड है 3-day मॉर्निंग पीरियड। प्रेसिडेंट वहाँ के प्रेसिडेंट आउन है, उन्होंने 3-day का मॉर्निंग पीरियड डिक्लेयर किया है और वहाँ की गवर्नमेंट ने 100 बिलियन लीरा या उसकी लेबनीन पाउंड जो वहाँ की करेंसी है वो इतना पैकेज उन्होंने इमरजेंसी फंड उन्होंने रिलीज़ किया है। सो अमोनियम नाइट्रेट, सो बिकॉज इस एक्सप्लोजन में अमोनियम नाइट्रेट का एक रोल था। सो अमोनियम नाइट्रेट हैज़ ए नंबर ऑफ डिफरेंट यूज बिकॉज इसका काफ़ी सारे यूज़ हैं और इसके दो इसमें मोस्ट कॉमन यूज, एक तो इसका एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर, इनमें दो चीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। सो दीज इंक्लूड्स नोटिवली, और इससे पहले जो अभी बेरूत में हुआ और इससे पहले भी काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, जो एक पहला उसमें से टेक्सास फर्टिलाइजर प्लांट में हुआ था जो कि 2013 में हुआ था जिसमें 15 लोगों की जान गई थी। दैन इससे पहले हुआ था फ्रांस में जो कि 2001 में हुआ था, उसमें 31 लोगों की डेथ हुई थी। सो अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ भी है, उनका बिजनेस यूज़ भी किया जाता है बिकॉज कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो इस चीज़ का यूज़ करती है फॉर इंसर्जेंसी करने के लिए। सो वैन कम बिकॉज जब इसको फ्यूल के साथ कंबाइन करते हैं तो ये अमोनियम नाइट्रेट एक एक्सप्लोजन क्रिएट करता है। सो इसका यूज़ करते हैं तालिबान जैसी ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसका यूज़ करती हैं एक्सप्लोजन करने के लिए। हाउएवर जब इसको नॉर्मल स्टेज में जब इसको स्टोर करके रखते हैं विदाउट वेरी हीट, सो बिना किसी हीट के इसको जब नॉर्मल कंडीशन में इसको स्टोर करके रखते हैं देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इग्नाइट अमोनियम नाइट्रेट। सो काफ़ी मुश्किल होता है इसको इग्नाइट करने में, लेकिन जब इसको हाई टेम्परेचर में रखा जाता है तो ये काफ़ी डेंजरस हो जाता है। सो ये लेबनन में होता है, सो लेबनन को जानते हैं। सो लेबनन जो कि एक मिडिल ईस्ट कंट्री है, उसकी कैपिटल बेरूत है, वहाँ की करेंसी लेबनीज पाउंड। इस एक लेबनीज पाउंड मतलब 1 रुपये में 20 लेबनीज पाउंड आएंगे। सो इससे पता चलता है कि वहाँ की करेंसी काफ़ी वीक थी और वहाँ की पॉपुलेशन लगभग 68.5 लाख लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ इतनी पॉपुलेशन है।
सो यह ब्लास्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि 240 किलोमीटर दूर साइप्रस आइलैंड है वहाँ तक इसको सुनाई दे रहा है, जो कि ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में ये लोकेट है। सो द एक्सप्लोजन कम एट द सेंसिटिव टाइम, जो कि ये एक्सप्लोजन जो हुआ है, जो लेबनन का ऐसा सेंसिटिव टाइम चल रहा है, बिकॉज ये इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है, क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक चल रहा है, टाइम चल रहा है, अभी वर्ल्ड की ऑलमोस्ट हर कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही हैं। सो सेम लेबनन गवर्नमेंट या लेबनन कंट्री भी इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही हैं। बट इसके अलावा एक और भी चीज़ है, बिकॉज टेंशन आर ऑल्सो हाई एड ऑफ फ्राइडे वर्डिक्ट इन ए ट्रायल ओवर अ किलिंग ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर रफीक हरारी इन 2005। बिकॉज ये इस ब्लास्ट को 2005 में जो वहाँ के एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर रफीक हरारी जो भी सेम ब्लास्ट में ऐसे ही तरीके के सेम ब्लास्ट में उनकी डेथ कर दी गई थी, सो इस फ्राइडे को उसका वर्डिक्ट आया था। सो इस एक्सप्लोजन को इस 2005 वाले एक्सप्लोजन से कनेक्ट किया जा रहा है। सो जो 14 नवंबर 2005 को जो इसमें एक्सप्लोजन हुआ था लेबनन में, उस एक्सप्लोजन में लेबनन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर रफीक हरारी उनकी डेथ हो गई थी, और उनके अलावा 21 लोग और भी थे जो उस एक्सप्लोजन में इन लोगों की डेथ होगी। सो एक्सप्लोजन इक्विवेलेंट टू, सो बिकॉज और इस एक्सप्लोजन में 1000 किलोग्राम के TNT का यूज़ किया गया था। सो अमॉन्ग द डेथ वर सेवरल ऑफ द हरारी बॉडीगार्ड। सो इस डेथ में हरारी के बॉडीगार्ड प्लस कुछ फॉर्मर मिनिस्टर थे जो कि इस एक्सप्लोजन में मारे गए थे। सो इस एक्सप्लोजन को 2005 वाले एक्सप्लोजन से लिंक किया जा रहा है। कुछ लोग इस 2005 वाले एक्सप्लोजन को हिजबुल्ला से भी कनेक्ट कर रहे थे, बिकॉज हिजबुल्ला लेबनन में एक पॉलिटिकल पार्टी भी है और प्लस हैवीली आर्म गोरिल्ला ग्रुप भी है। सो कुछ लोग हिजबुल्ला को 2005 के एक्सप्लोजन का कारण बता रहे हैं, लेकिन हिजबुल्ला ने ऐसे किसी रूल को डिनाई करते हुए मना कर दिया और उसने डिसमिस कर दिया नीदरलैंड बेस्ड ट्रिब्यूनल को जो इस टॉपिक को पॉलिटिसाइज कर रही थी। सो हिजबुल्ला जो था, हिजबुल्ला जो कि लेबनन में एक पॉलिटिकल पार्टी भी और वहाँ एक आर्म ग्रुप भी है, बट ओवरऑल ऑन ओवरऑल द वर्ल्ड जो कि वर्ल्ड में इस ऑर्गेनाइजेशन को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर दिया, बिकॉज ये इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को US, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, अर्जेंटीना और बाकी अदर कंट्रीज और कुछ ऑर्गेनाइजेशन लाइक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एंड यूरोपियन यूनियन, इन सब लोगों के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर दिया। और यूरोपियन यूनियन तो यूरोपियन यूनियन ने हिजबुल्ला की जो मिलिट्री विंग है उसको मिलिट्री विंग को भी टेररिस्ट और ग्रुप कर दिया, लेकिन जो उसकी जो पॉलिटिकल विंग उसको नहीं किया। सो जो यूरोपियन यूनियन के अकॉर्डिंग हिजबुल्ला की मिलिट्री विंग टेररिस्ट ग्रुप है, बट उसकी जो पॉलिटिकल विंग है वो पॉलिटिकल विंग है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट नहीं किया है। कुछ थ्योरी ऐसे भी हैं कि कुछ लोग मानते, एक थ्योरी ये भी है कि इस एक्सप्लोजन के पीछे इसराइल का हाथ हो सकता है, बिकॉज गाजा स्ट्रिप जो कि वेस्ट गाजा बिकॉज गाजा स्ट्रिप और जो वेस्ट बैंक है जो इसराइल के पास, इस फिगर में आपको क्लियरली पता चल जाएगा। हाँ, जो ये पूरा इसराइल है और इसराइल में यहाँ पर ये गाजा स्ट्रिप है और ये वेस्ट बैंक का एरिया, इस गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक वाले के कुछ एरिया में हमास ग्रुप जो काफ़ी एक्टिव है, और जो हमास ग्रुप है और हिजबुल्ला की फंडिंग है, जो हमास ग्रुप और हिजबुल्ला की जो फंडिंग है, उन दोनों की फंडिंग और सपोर्ट दोनों ईरान से आता है। सो हिजबुल्ला और हमास में दोनों में एक लिंक होने की वजह से, सो हिजबुल्ला करेंटली लेबनीज गवर्नमेंट का पार्ट भी है। सो मे बी हिजबुल्ला के ऑर्गेनाइजेशन को अनस्टेबल करने के लिए इसराइल ने ऐसा किया हो, बट आई एम ऑलरेडी सेट कि दीज ऑल आर थ्योरीज जो कि स्पेकुलेशन लगाई जा रही हैं, और ऐसा इसराइली ऑफिशियल ने ऐसा करने के लिए उन्होंने डिनाई भी किया और बोला है कि इसराइली हैज़ नथिंग टू डू विद ह्यूज एक्सप्लोजन जो कि बैरूत एरिया में हुआ, और बोला है कि इसराइली हैज़ नथिंग टू डू विद इन इंसिडेंट जो कि इसराइल के एक ऑफिशियल ने बोला है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द स्टडी सेंटर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।